थाना मंडी पुलिस ने चैन स्नेचिंग लूट के मुकदमे में वांछित 15,000 रुपए के इनामी सहित दो अंतरराज्य शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि प्रभारी निरीक्षक नेमचंद सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना मंडी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान उपरोक्त में कार्रवाई करते हुए दो अंतरराज्य शातिर लुटेरे इरशाद उर्फ लड्डू पुत्र शहीद, अंकुर उर्फ पंकज पुत्र महावीर उर्फ भीम को विश्वास नगर सकलापुरी रोड से गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से दो चाकू, दो चैन, पीली धातु के टुकड़े, एक मोटरसाइकिल, 12,300 रुपए बरामद हुए। गिरफ्तार लुटेरे इरशाद उर्फ लड्डू जनपद मुजफ्फरनगर पर थाना मंडी से 15,000 रुपए का इनाम घोषित था। जी, थाना मंडी पुलिस द्वारा ये दो जो बदमाश है इनको पकड़ लिया गया, जिसमें से एक 15,000 रुपए का जो इनामी है, जिसपे करीब 22 से 25 मुकदमे हैं। इरशाद उर्फ लड्डू ये थाना क्षेत्र खाला पार्क मुजफ्फरनगर का रहने वाला है और इसके साथ एक अंकुर कश्यप जो थाना रमाला जिला बागपत का रहने वाला, ये दोनों मिलकर गैंग बनाकर इन्होंने बैक टू बैक काफी घटनाओं को अंजाम दिया था। इन्होंने सबसे पहले यहाँ पे थाना जिला सहारनपुर में थाना मंडी में एक चेन स्नैचिंग करी थी 1 अक्टूबर को। उसके बाद इन्होंने देवबंद में कोई घटनाएं करी थी चेन स्नैचिंग की। देवबंद से इन्होंने एक मोटरसाइकिल चोरी भी की थी। शामली और बिजनौर में भी इन्होंने चोरी की बात है उसको भी कबूला है। तो इनके द्वारा लगातार पिछले डेढ़ महीने में काफी बैक टू बैक घटनाएं करी गई थी। हमारी चेन स्नैचिंग की जो घटना 1 अक्टूबर को हुई थी, इसमें सीसीटीवी फुटेज में इनके चेहरे क्लियर आए थे। दोनों को सीसीटीवी फुटेज को ट्रैक करते करते हमारी टीम भगवानपुर हरिद्वार तक पहुंची थी। वहां पर मुखबिरों द्वारा हमें ये ज्ञात हुआ था कि इनका चेहरा दिखा के कि ये इरशाद उर्फ लड्डू है मुजफ्फरनगर का और इन्हें रहने वाला था, लेकिन ये अपने ठिकाने बदल बदल के उत्तराखंड में कहीं छुपकर रह रहा है। और अभी पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है, कोर्ट के सामने इनको पेश किया जा रहा है। इनके पास से जो हमारे यहाँ चेन स्नैचिंग घटना में चेन टूटी थी वो इनसे बरामद कर ली गई है, उनके टुकड़े बरामद कर लिए गए हैं। और बाकी जो इन्होंने बाकी चोरियां की थी उसमें जो उन्होंने सामान बेचकर जो कैश मिला था इनको, उसकी बरामदगी की गई है। सर, गैंग में कोई और लोग भी हैं जहाँ पर ये लोग रहते थे, क्योंकि बाहर के हैं लोग, बागपत के मुजफ्फरनगर के सहारनपुर में कहाँ रहते थे, किस प्रकार से अंजाम दिया? इसमें जो ये इरशाद उर्फ लड्डू है करीब 8 से 9 साल जेल में रहा। जब ये जेल में था तभी इन दोनों की मुलाकात हुई थी। दोनों अलग अलग मुकदमों में बागपत जेल में अपनी सजा काट रहे थे, तभी इन दोनों की मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद ये करीब मई 2024 में इरशाद उर्फ लड्डू ये जेल से बाहर आया है और तभी से गैंग बना के कार्य कर रहे थे। मुजफ्फरनगर में इनमें काफी मुकदमे थे और वहां पे पुलिस की निगरानी को देखते हुए ये लोग उत्तराखंड में विकास नगर में एक अपना इन्होंने ठिया बना रखा था, वहां पे रह रहे थे। कोई और लोग साथ लग रहे थे? नहीं, अभी पूछताछ में कोई और किसी और की संलिप्तता अभी तक इसमें सामने नहीं आई है।